लास्ट क्लास मूवमेंट स्टार्ट किया था. अच्छा, वो जो संडे वाला क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्शन का इशू था, तो मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया था. आप लोगों ने देख लिया उसे? वालेकुम सलाम आरिफ, वालेकुम सलाम अम्मार. अभी वो जो डायरेक्शन का इशू था वो रिजॉल्व हुआ. वो थ्री डायमेंशन मुझे मिल गया था, तो मैंने आपके साथ थ्री डायमेंशनल शेयर कर लिया. उसके बाद प्रॉब्लम्स कम आती है. मुझे दोबारा डिस्कस करने हैं वही चीज, या फिर आप कर लोगे? अब दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? अस्का अस्का को इशू था, सनाउल को इशू था. अच्छा, देखा नहीं, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर देख लेना इसका. वो थ्री डायमेंशनल डायग्राम मैंने शेयर कर लिया, उसके बाद कम प्रॉब्लम्स आती. एनीवेज, सो लास्ट क्लासेस तक जाहिद ग्रुप पर आ गया है. आप एक बार देखिए, तो पता नहीं है आप किस ग्रुप में, जो ग्रुप है ऑर्किड का उसमें मैंने डाल दिया. आप खोल के देखिए, आपने चेक किया जाहिद ग्रुप? मोहम्मद जाहिद, या बिना चेक करे ही तुम रिस्पॉन्ड करने लगते हो. हाय हार्दिक. अच्छा, आप लर्निंग व्यू ग्रुप में है ना? हाँ, उसमें नहीं डाला मैंने, ऑर्किड वाले में डाला. गुड इवनिंग हार्दिक. लास्ट क्लास तक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल हमने डिस्कस किया था. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल. सो जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके आगे आज जाना है. अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल से, करंट आए, द रेडियस ऑफ द कॉइल इज आर, कॉइल का रेडियस आर. सो हमने दो कुछ चीजें डिस्कस की थी कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, देन द टॉप फेस विल बिहेव एज साउथ. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, देन द फेस विल बिहेव एज नॉर्थ. और अगर आप कंबाइंड ले रहे हो तो साउथ और नॉर्थ. अगर आप एक सिंगल कॉइल ले रहे हैं तो वहां पर साउथ भी होगा, नॉर्थ भी होगा, दोनों पोल्स हो जाएंगे. सो करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. अच्छा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल वुड बी एन आई. सो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज एन आई. कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट थ्रू ईच टर्न, ए इज एरिया. इसके डायरेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके थे. डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. राइट हैंड थंब रूल. सो अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे, सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इनवर्स. अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो डायरेक्शन इनवर्स होगा. मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्स जा रहा है राइट हैंड थंब रूल अगर आपने अप्लाई किया. अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का साउथ से नॉर्थ होता है. अगर मैं आपसे यहां कह रहा हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्स है, दैट मीन्स ऊपर वाला फेस साउथ है, पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा होगा.
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. हालांकि ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती कॉइल में. डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आप चाहें तो सकते हैं, बहुत ज्यादा ये आपकी हेल्प नहीं करेगी. ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल. अब इसके बाद राइट हैंड थंब रूल आप लगा दो. थंब इनवर्ड्स जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वुड बी इनवर्ड्स. मैग्नेटिक मूवमेंट्स इनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं. इसकी जब आप SI यूनिट लेंगे, SI यूनिट इज करंट इज इन एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर. SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. कुछ चीजें और हैं यहाँ पर. एक बेसिक सा एग्जाम्पल देख लो. मान लीजिए मैंने आपको इस शेप की कॉइल दे दी, स्क्वायर कॉइल दे दी. मैं आपसे कहता हूँ इस कॉइल से जो करंट पास हो रहा है दैट करंट इज 10 एम्पियर. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 मीटर. तो जो एरिया होगा दैट एरिया इज 2 स्क्वायर, इट्स 4 मीटर स्क्वायर. करंट इज 10 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स, लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर 100. सो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट्स NIA. So in this particular case, magnetic moment is 100, current is 10, area is 4. So the magnetic moment is 4000. जब आप direction यहाँ use करेंगे, तो direction of magnetic moment right hand thumb rule apply करोगे. जरा देखना क्या direction आ रहा है right hand thumb rule से. The direction of magnetic moment using right hand thumb rule. Current के साथ curl कर दो बस. चलो गुड, वेरी गुड. ज्यादातर लोगों का है ना, सबका इनवर्ड्स ही आ रहा है. करंट के साथ कर्ल कीजिए, थंब इनवर्ड्स जाएगा. इनवर्ड्स जाने का मतलब है जेड एक्सिस नेगेटिव. सो इट्स 4000 माइनस ऑफ के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4000 माइनस ऑफ के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक. अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना m इज इक्वल टू एन आई, इज यूजफुल फॉर लूप इन वन प्लेन. अगर आपकी लूप किसी एक ही प्लेन में दी हुई है, दो अलग अलग प्लेन्स नहीं है, किसी एक ही प्लेन में अगर आपके लूप है तो आप m इज इक्वल टू एन आई ए यूज करिए. लेकिन अगर आपके लूप मल्टीपल प्लेन में दी हुई है तो इसे यूज नहीं करते, फिर उसको ब्रेक करना पड़ता है. जरा इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अगर वो कॉइल आपको साइमल्टेनियसली दो प्लेन्स में दे, अगर वो आपको कॉइल ऐसी दे रहा है, जो कॉइल कॉइल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए पेपर है, अगर ऐसे दिया हुआ तो ये एक सिंगल प्लेन है, अगर ये पेपर ऐसे दिया हुआ है दैट मीन्स कॉइल इज इन सिंगल प्लेन। लेकिन अगर इसी पेपर को मैं आपको ऐसे दे दूं, ऐसा तो अब दो प्लेन्स हो जाएंगे, ये ऐसे रख दो ऐसे कर, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक एक्सजेड प्लेन हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कॉइल दे रहा हूं जो कॉइल साइमल्टेनियसली दो प्लेन्स, सो अब देखो थ्री डायमेंशनल है, मुझसे कोई ढंग से तो बनेगा नहीं, लेकिन जितना मुझसे बन सकता है मैं बना दूं। ये कॉइल दी हुई है आपको, और इस कॉइल में डायमेंशंस देख लीजिए, एक डायमेंशन एल दी है, दूसरी डायमेंशन बी, और करंट ऐसे जा रहा है। कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। ये जो पोर्शन है कॉइल का दिस इज एन एक्स वाई प्लेन, ये जो पोर्शन है कॉइल का दिस इज एन एग्जिट प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन में है, एक एग्जिट प्लेन। अब वो आपसे कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। तो देखिए एक सिंगल कॉइल अगर आप m इज इक्वल टू एन आई ए यूज करना चाहें तो एक सिंगल प्लेन की वजह से यहां नहीं आएगा मैग्नेटिक, आप यहां से इस कॉइल को दो प्लेन्स, दो कॉइल में डिवाइड करिए। एक कॉइल ऐसे मान लीजिए जिसमें करंट यहां जा रहा है, तो एक कॉइल हो गई आपकी एक्स वाई प्लेन में कंप्लीट हो गई। एक एग्जिट प्लेन में देखो करंट ऐसे एंटी क्लॉक वाइज जा रहा था, यहां आप एक लाइन मान लीजिए, ये करंट आ गया। अभी जो रेड से मैंने कंस्ट्रक्शन लिया है इसकी वजह से सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई और आई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो अल्टीमेटली दे विल जस्ट कैंसिल आउट ईच अदर। सो यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा, दिस इज कॉइल वन एंड दिस इज कॉइल। तो फर्स्ट प्लेन में जो कॉइल है ये प्लेन वन, इसका जब मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई, सो मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स एन, टोटल करंट आई, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ एन आई एल। ऐसे आपने एरो लगा दिए, वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। जब आप डायरेक्शन लोगे तो देखो करंट के साथ अगर आपने कर्ल किया थंब इनवर्ड जाएगा, सो एम वन जो होगा एम वन इज माइनस ऑफ के। सिमिलरली जब आप M2 लोगे, M2 इज अगेन एन आई ए एन आई एल बी, करंट ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। जब आप एंटी क्लॉक वाइज कर्ल करेंगे तो थंब डाउनवर्ड्स जाए, ऐसे ना एंटी क्लॉक वाइज कर्ल कर दीजिए, थंब डाउनवर्ड्स जाए। डाउनवर्ड्स का मतलब है इट्स माइनस ऑफ जे गैप। सो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, सो दैट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ एम वन एंड एम टू, सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज एम वन प्लस एम टू। सो द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज इट्स एन आई एल बी माइनस के गैप प्लस माइनस ऑफ जे गैप। ये कॉन्सेप्ट बताइए आप लोगों के समझ में आया।
अगर दो प्लेन में कॉइल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, या कोई डाउट कोई परेशानी है? M1 का डायरेक्शन। तो देखो फायदा, ये कॉइल आपका जो कॉपी है ना, जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपकी कॉपी के प्लेन में है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर आप करंट के साथ कर्ल कर दो, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अगर इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये रहा, करंट के साथ आप कॉल कर्ल कर दीजिए, करंट जा रहा है ये क्लॉकवाइज है शायद, है ना, क्लॉकवाइज कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्स। फाइव डायरेक्शन ऑफ कॉइल टू नहीं समझ में आया इब्राहिम। इब्राहिम देखो, कॉइल टू ऐसे रखी हुई है, ये कॉइल टू है, ये कॉइल वन है, ये कॉइल वन है। आप अगर कॉपी में ड्रॉ करोगे ना इब्राहिम, तो आपकी कॉपी का जो पेज है दैट्स कॉइल वन, ऐसे, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे कर्ल करोगे ना थंब, ऐसे कर्ल करोगे प्लेन के साथ ही, तो कर्ल करोगे। जब ऐसी थी कॉइल तो आपने कर्ल किया क्लॉकवाइज, तो इनवर्ट जा रहा था। अब ये आपकी कॉइल, ऐसे कर्ल करोगे तो डाउनवर्ड जाएगा इब्राहिम। और इब्राहिम मतलब इस बात है, मुझे आप लोगों की वीडियो नहीं दिखती है, मुझे नहीं पता आप लोग राइट एंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है अगर आप हाथ चलाओगे नहीं तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। विदाउट, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे राइट हैंड थंब रूल, आप कभी नहीं सीख सकते। इब्राहिम अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए, अब आपका डाउनवर्ड आ रहा है प्लेन, अगर आपके समझ में आ गया कॉइल किस प्लेन में ऐसे रखी हुई है, ये है आपकी कॉइल। अच्छा, इसके बाद खदीजा का क्वेश्चन है कि क्या कह रही है खदीजा, दोनों के जॉइंट पर करंट मर्ज क्यों नहीं होता, अलग अलग क्यों होता है? खदीजा यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं। देखो भाई, ओरिजिनली तो यहाँ कुछ था ही नहीं ना खदीजा, मुझे इसे दो कॉइल में डिवाइड करना है, लेकिन कॉइल की कंडीशन है कॉइल क्लोज्ड होनी चाहिए, तो क्लोज करने के लिए मुझे यहां से एक वर्चुअल वायर लगानी होगी, तो मैंने यहां से एक वायर ऐसे लगा दी आपको समझाने के लिए कि आपको ये दिख जाएगी, चलो ऊपर कंप्लीट हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं एक इमेजिनरी वायर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाएगी भाई ऊपर भी एक लूप है, और ऐसी मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर दी, आपको दिख जाएगी नीचे भी। और अलग अलग की जगह आप एक साथ भी बना सकते हो, लेकिन देखना मुश्किल होगा ना। अब आपको ऊपर भी एक क्लोज लूप दिख रही है, नीचे भी एक क्लोज लूप दिख रही है। अब कुछ लोगों का इसमें क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ तो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर इज कि दोनों करंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ ना पहले कोई करंट फ्लो कर रहा था, ना वर्चुअल वायर लगाने के बाद कोई करंट फ्लो कर रहा है, दोनों करंट सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन। खदीजा कुछ आया समझ में? जी खदीजा, ज्यूम किया है, वजह यही है कॉइल क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं। अगर मैं इसे ज़ूम ना करूं तो ऊपर वाली तो ओपन कॉइल हो जाएगी, वहां मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लो? चलिए दार, इसको रब करते हैं। अच्छा, अब सनाउल टू टाइम्स होगा या थ्री टाइम्स होगा वो डिपेंड करेगा ना कि वेक्टोरिकली कैसे ऐड हो रहा है। टू टाइम्स तो तब आता जब दोनों कॉइल सेम प्लेन में होती, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे होते, लेकिन एक का मैग्नेटिक मूवमेंट के अलोंग है, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट जे के अलोंग है, तो डबल तो नहीं हो सकता। और अगर आप ये चाह रहे हो कि पूरे का एरिया लेकर सॉल्व कर दो, तो आपने लास्ट सेक्शन में शायद सुना नहीं, मैंने आपसे कहा था कि एन आई ए हम तब यूज करते हैं जब कॉइल एक प्लेन में,
दो प्लेन में आप NIA यूज नहीं कर सकते। अगर आप स्टेटमेंट याद नहीं रखते, लॉजिक भी अप्लाई करते हो, तो इस पूरी कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ऊपर के लिए डायरेक्शन कुछ और होगा, नीचे के लिए डायरेक्शन कुछ और होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा एरिया ले लें और एक बार में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। तो आपको इसे तोड़ना होगा पार्ट्स में। हर पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट अलग डायरेक्शन में, उसे आप वेक्टोरिकली ऐड कर। दैट्स इट। कोई परेशानी नहीं खदीजा, अगर एक शेप अलग भी हो जाए। भाई खदीजा अगर एक तो प्लीज क्वेश्चंस ना प्राइवेटली मत डाला करो, मतलब एवरीवन वाला इसीलिए मैंने खोला हुआ है कि सबको दिख जाए। तो खदीजा का क्वेश्चन है, अगर एक शेप अलग हो जाए, कोई परेशानी नहीं, ये शेप अलग हो गया, इसका आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया से ही तो फर्क पड़ रहा है ना, आप इसका एरिया ले लीजिए, मैटर नहीं करेगा। बस प्लेन्स अगर अलग अलग है, अलग अलग क्वाइल्स में डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी एरिया हो आप उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लीजिए और ऐड करते चले जाइए, वेक्टोरिकली ऐड हो जाए। नेक्स्ट, अब बस ये लास्ट सेक्शन है, कॉइल टू की डायरेक्शन बता दीजिए। कॉइल टू जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है आपके, एग्जिट प्लेन है, एग्जिट प्लेन इसे कहते हैं। ये जो प्लेन है इसे कहते हैं एग्जिट प्लेन। कि अगर आप अपनी कॉपी लें और कॉपी को ऐसे करके रख दें, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो, तो ये वाला जो प्लेन है दैट इज एग्जिट प्लेन। ये एग्जिट प्लेन है, ये वाला ऐसे आप रख दो, ये एग्जिट है। करंट का डायरेक्शन जरा जैद देखकर बताएंगे, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैद ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कॉइल टू में डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है भाई, ऐसे घूम रहा है, इसे क्लॉकवाइज क्या था? अब करंट के साथ कर्ल कर दीजिए थंब, जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसे वैसे फिंगर कर्ल कर दीजिए, थंब डाउनवर्ड्स जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स। ऐसे कर्ल किया ना, डाउनवर्ड्स जा रहा है थंब, डाउनवर्ड्स मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस। भाई जैद आया आप कुछ? हाँ जी, माइनस वाई एक्सिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल भाई। आप में से बाकी जो लोग हैं जिन्हें 100% लेक्चर अगर नहीं समझ में आता और आप पूछ भी नहीं पाते हैं तो आपकी बेवकूफी है। मतलब जब बाकी लोग सब बराबर हो ना मेरे लिए, तो बाकी लोग बार बार डाउट्स पूछ सकते हैं, एक ही चीज नहीं समझ में आ रही कई बार पूछ सकते हैं, तो सब क्यों नहीं कर सकते। मतलब क्लास आप देखो, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है ना, कि अगर कोई डेप्थ में आपको पढ़ाएगा तो डाउट्स तो उठेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सना सिर्फ प्रीवियस ईयर्स। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स। तो देखो, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसे आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, करंट पास हो रहा है इस कॉइल से, और इसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया विच इज अलोंग एक्स एक्सिस।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग कॉइल ली, सो इसको कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए, इट्स बी, सी, सो ये ए बी सी डी ए कॉइल है जिसे आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, इसकी ज्योमेट्री देख लो कि गिवन कैसे। तो ये जो पेन मैंने रखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। मैं ऐसे रख सकता था कि मैं कॉइल को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख, ऐसे रख दिया मैंने कॉइल, बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल इज 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर नहीं रखा मैंने इसको, टिल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे रखी हुई है कॉइल। मतलब ये कॉइल ऐसे रखी होती तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती, मैंने कॉइल को थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, ऐसे टिल्ड कर दिया कॉइल, और ये देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कॉइल ऐसे नहीं रखी, मैं ऐसे रखता तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती, मैंने कॉइल को थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, ऐसे रखी हुई है, अगर ऐसे होती तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती, कॉइल ऐसे रखी हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। ये बी जो एंगल है दैट्स एंगल, सो देखो जब आप सेक्शन ए बी पर फोर्स लोगे, अब इसकी लेंथ भी ले लीजिए, कुछ लेंथ ब्रेथ भी मार्क कर देते हैं, ये जो डायमेंशन है इसे मैं एल कह देता हूं, इस वाली डायमेंशन को बी कह, ये डायमेंशन भी आ गए। सो इस डेरिवेशन में कई काम करने हैं, पहला काम करना है इस कॉइल के ऊपर नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स कॉइल पर कितनी एक्ट करेगी। तो अगर मैं सेक्शन ए बी पर फोर्स कैलकुलेट करूं, फोर्स ऑन सेक्शन ए बी विच इज एफ ए बी, तो जब आप एफ ए बी लोगे, इट्स करंट आए, ए बी सेक्शन की लेंथ इज एल, क्रॉस आई एल क्रॉस बी होता है, और इसको ना मैं जरा दोबारा ड्रॉ कर दूंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा, ये करंट का डायरेक्शन। सो देखो जब आप आई एल क्रॉस बी ओपन करोगे तो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, इट्स आई एल बी साइन, अगर ये एंगल थीटा तो ये बताओगे कितना आ जाएगा, ये अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना होगा, ये आ गया 180 माइनस थीटा। So, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, इसके बीच में जो एंगल है दैट्स, सो इट्स साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा एग्जैक्टली साइन थीटा के इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जब आप वैल्यूज रखेंगे, सो एफ ए बी इज, इट्स करंट आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन थीटा। अब देखो राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करें, ये थोड़ा सा ना थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, आपको डायग्राम दिखना चाहिए, ये वायर है आपकी, करंट ऐसे आ रहा है,
आप ऐसे रखोगे करंट के लॉन्ग, ये करंट ऐसे आएगा, तो आप ऐसे करंट के लॉन्ग रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग कर्ल कर दीजिए, थंब आपका ऊपर जाएगा। करके देखिए, कॉपी को ऐसे रखिए, भाई सब ट्राई करो, 65 है तो 65 लोग ट्राई करो, अपनी कॉपी ऐसे रखो करंट की डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टली कर्ल कर दो, थंब ऊपर जाएगा। ऐसे रखा, हॉरिजॉन्टली कर्ल किया, थंब ऊपर जा रहा, तो जो फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स वुड बी अपवर्ड्स। मान राइट हैंड तो नीचे नहीं जा सकता, ऐसे रखोगे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करोगे ऊपर, तुम ऐसे रखोगे, तुम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हो ना, करंट बाहर की तरफ रखो, अपवर्ड जाएगा। सो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, फोर्स को आप किसी और कलर से दिखाते हैं, ये फोर्स, दिस इज एफ ए बी अपवर्ड्स। सो अपवर्ड्स का हो गया, वाई एक्सिस है तो जे कैप लगा देते हैं, सो आई एल बी साइन थीटा, दैट्स पॉजिटिव फोर्स। इसी तरह से अगर मैं फोर्स लेता हूं ऑन सेक्शन बीसी, जब आप बीसी सेक्शन पर फोर्स लेंगे, इट्स करंट आए, भाई बीसी सेक्शन की लेंथ कितनी है, बी क्रॉस, तो देखिए बीसी सेक्शन में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है, दैट एंगल इज 90 डिग्री। सो जो फोर्स आ रही है बीसी सेक्शन के ऊपर, दिस इज आई बी बी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो फोर्स ऑन सेक्शन बीसी आ गया, इट्स आई बी इनटू कैपिटल। राइट हैंड थंब रूल जब आप अप्लाई करोगे, करंट डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स रखोगे आप ऐसे, करंट नीचे जा रहा है ना, तो फिंगर आपने नीचे रख दी, करंट नीचे जा रहा है तो आपने फिंगर नीचे रख दी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, थंब बाहर आएगा, भाई अप्लाई करो, देखो सबका आ रहा है डायरेक्शन आउटवर्ड्स, डाउनवर्ड्स रखा, एक्स एक्सिस के अलोंग कर्ल कर दिया, नीचे रखकर एक्स एक्सिस के अलोंग कर्ल कर दिया, बाहर जा रहा होगा जेड एक्सिस के अलावा। सो आई बी बी जेड एक्सिस का मतलब है के कैप, दैट इज इक्वेशन। Outwards होगा पर B के perpendicular। हाँ वजह, B तो आपका Y axis है ना, तो outwards means Z axis के along होगा, तभी मैं K gap use कर, exactly Z axis के along। अब अगर आप CD section पर लोगे FCD, so FCD आ जाएगा I B cross B, I L cross, I L cross B. So F C D हो गया, its current I, length L, magnetic field B. देखिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा, इट्स साइन थीटा, भाई डायरेक्शन बताओगे मुझे, सी सेक्शन सी डी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स
डाउनवर्ड्स दिख रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है ना, करंट ऐसे जा रहा है इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कर्ल कर दीजिए, थंब डाउनवर्ड्स। उसे आपने ऐसे रखा, हॉरिजॉन्टल कर्ल किया, थंब डाउनवर्ड्स। तो ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स डाउनवर्ड जा रही है। डाउनवर्ड्स का मतलब है माइनस ऑफ जे का, दैट इज इक्वेशन। डी ए देखिए, एफ डी ए, डी ए सेक्शन पर जब अप्लाई करेंगे आप, सो दिस इज आई बी बी साइन 90 डिग्री। डायरेक्शन बताओगे मुझे? So, अगर आप अप्लाई करोगे, ऐसे रखा आपने ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, थंब आपका इनवर्ड जा रहा है। अपवर्ड्स रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड्स मींस माइनस ऑफ के का। सो ये एफ डी ए आ गया, विच इज आई बी बी, इट्स माइनस ऑफ के कैप, दैट्स इक्वेशन। जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स एफ इज वेक्टर सम ऑफ ऑल, सो द नेट फोर्स इज एफ ए बी, एफ बी सी, एफ सी डी, एफ डी ए। और जब आप सबको एड अप करोगे, आपको खुद दिख जाएगा इट इज जीरो। और ये रिजल्ट हमने पहले भी लिखा था कि नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर जीरो। अगर एक करंट कैरिंग वायर पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, नेट फोर्स जीरो होगी। तबस्सुम, देखो जब हम वेक्टर्स में एंगल लेते हैं ना, तो एरोस के बीच में लेते हैं। देखो एक एरो इधर है, दूसरा एरो ये है मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए मैंने इस एंगल को लिया विच इज 180 माइनस थीटा। बट अगर आप सी डी देखेंगे, करंट का एरो भी है और मैग्नेटिक फील्ड का एरो भी है, तो इन दोनों एरोस के बीच में एंगल कितना होगा? अगर आपको दो वेक्टर्स दिए होते हैं, तो डायरेक्शन और एंगल हम एरोस के बीच में लेते हैं। सो इन दो एरोस के बीच में 180 माइनस थीटा, बट इन दो एरोस के बीच में इट्स थीटा। अच्छा आरिफ, कॉइल को आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। ये इस तरह से रखने का रीजन ये है कि एक जनरल थीटा के लिए आ जाए। अब एक बार एक जनरल थीटा के लिए रिजल्ट आ गया, तो आप जैसे रखना चाहो वैसे रख दो। अगर एक जनरल थीटा के लिए एंगल जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, तो आप कैसे भी रख दो, नेट फोर्स जीरो ही आएगी। ये सबसे जनरल केस मैंने लिया हुआ। अगर यहां जीरो, तो आप जैसी भी रखें, नेट फोर्स जीरो आएगी। अमान, अभी रोटेशन के लिए तो टॉर्क होनी चाहिए ना, अभी जरा टॉर्क देख लें, तब डिसाइड कर पाएंगे कि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा या नहीं करेगा। अभी तो हमने सिर्फ ये प्रूफ किया है कि नेट फोर्स जीरो। सो पहला रिजल्ट ये आ गया कि करंट कैरिंग कॉइल पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, दैट नेट फोर्स इज जीरो। ए बी में डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाई एक्सिस से टिल्टेड क्यों नहीं है? ए बी में डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाई एक्सिस से टिल्टेड क्यों नहीं है? इसका क्यों टिल्टेड होगा? ये जो आपकी कॉइल है, ये जो वायर रखी हुई है, ये वायर कुछ किस प्लेन में है? दिस वायर इज इन, एक बाहर आ रहा है, एक नीचे है। ये तो
जेड से थोड़ा सा टिल्ड है ना वायर, फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो समवेयर इन जेड और क्रॉस आ जाएगा। जेड से अगर थोड़ा टिल्टेड भी है, जेड और आई के परपेंडिकुलर जाएगा। फोर्स जिस प्लेन आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिलाकर जेड और एक्स प्लेन है, तो आपका करंट एक फोर्स एग्जिट प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी, तो फोर्स तो सीधे सीधे ऊपर जा रही है। अच्छा, इतना लिख लिया आप लोगों ने, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो तो नेट फोर्स जीरो। जरा यहां मैं फोर्स के डायरेक्शंस भी ड्रॉ कर दूं, मुझे नेक्स्ट सेक्शन में जरा टॉर्क कैलकुलेट करना। तो इस पर फोर्स आउटवर्ड्स आ रही थी, अब आउटवर्ड्स में यहां ड्रॉ कर दूं, दिस इज एफ बी सी, और इस सेक्शन पर फोर्स इनवर्ड्स जा रही है, इनवर्ड्स में कुछ ऐसे शो कर दूं, एफ डी। यहां तक लिखिए, और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर इसे रब करते हैं और टॉर्क दे। भाई फैजान, नगमा, रहबर, सैयदा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सैयदा तहरीम, उस्मान, देखो ऐसा हो नहीं सकता है कि क्लास में बच्चा और उसे पूरी क्लास में कहीं कोई डाउट ही ना उठे, कोई परेशानी ना आए। मतलब ऐसा तभी आता है जब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, अगर आप क्लास में ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें क्लैश करती हैं, डाउट्स नहीं होते तो लॉजिक ही क्लैश कर जाता है। उस्मा कौन सा एरो, कौन से एरोस की बात कर रही हो? अच्छा, ये एफ बी सी और एफ डी ए। देखिए एफ बी सी जो फोर्स है, एफ बी सी अगर आप यहां देखो तो देखो एफ बी सी कहाँ एक्ट कर रही है, बाहर आउटवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो अब इस पर बाहर आउटवर्ड्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये डॉट लगा दिया, इस डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स। ऐसी ही यहां पर नेट फोर्स इनवर्ड्स जा रही है, इनवर्ड्स भी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था, तो यहां मैंने जस्ट क्रॉस लगाया और इधर दे दिया इनवर्ड्स। आई मीन एडवांटेज ये कि अगर एक कॉइल आप रख दो तो आपको पता तो होना चाहिए उस कॉइल के साथ हो क्या रहा है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो एटलीस्ट आपको ये दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब जब आप एडवांटेज पूछ रहे हैं ना, तो इसी चीज को स्टडी कर गैल्वेनोमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो आपके पास यहाँ सामने लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमेशा फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं, पहले पढ़ते हैं एग्जैक्ट फेनोमेना है क्या, रीजन क्या है, फिर आपको उसकी एप्लीकेशंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप इसकी जो एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, एमीटर और वोल्टमीटर इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, इसी से बनते हैं एमीटर और वोल्टमीटर। इफ्रा एंगल हमेशा ना, अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मैंने आपको ये दे दिया, तो वेक्टर्स में जब आप एंगल लेते हैं तो एंगल आप एरोज के बीच में लेते हैं। देखो ये इसके एरो का डायरेक्शन,
ये इसके एरो का डायरेक्शन, तो आपने ये एंगल ले। लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं आपको ऐसे दे दूं, एक एरो ये और एक एरो, तो ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होगा, एंगल ये हो जाएगा। जैसे यहां पर ये देखो, एरो तो लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा एरो राइट में, तो इन दोनों एरोस के बीच में एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, इसलिए 180 माइनस थीटा लिया। इफ्रा हुआ कुछ क्लियर, 180 माइनस थीटा का रीजन, हम हमेशा एरोस के बीच में एंगल लेते हैं, एक ये एरो है और एक ये एरो, इन दोनों एरोस के बीच में जो एंगल होगा दैट्स 180 माइनस थीटा। रेबर एमएफ की डायरेक्शन हर लेंथ पर चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा सेम है, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, देखो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स का डायरेक्शन चेंज। तहरीन किसी भी क्लोज लूप में फोर्स हमेशा जीरो होगा। हाँ तहरीन, किसी भी क्लोज लूप में रख दो, नेट फोर्स हमेशा जीरो है, किसी भी क्लोज लूप में रख दीजिए। अगर आप क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखती हैं तो फोर्स हमेशा जीरो। प्रांजल फोर्स जीरो ऐसे आई कि अगर मैं ऐड करूं, चलिए मुझे लगा ये आप लोग, चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूं नेट फोर्स कैसे जीरो आई। ये जो चारों फोर्सेस हैं, अगर आप इन्हें एनालाइज करो तो आपको दिख जाएगा ये चारों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ खदीजा, सर्कुलर लूप होता तो आसानी से निकल आता। सो जब आप नेट फोर्स लोगे, एफ ए बी था, प्रांजल एफ ई का एक्सप्रेशन क्या था, दैट वाज आई एल बी जे गैप। एफ बी सी कितना था, दिस इज आई बी बी माइनस के गैप। एफ सी डी कितना था, इट्स आई एल बी माइनस जे गैप, देन दिस इज आई बी बी माइनस के गैप, ये प्लस के गैप, ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स से। सो द नेट फोर्स ओवर दिस करंट कैरिंग कॉइल इज, सो इस कॉइल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नेट फोर्स होती है, और ये हर तरह की कॉइल के लिए वैलिड है। हालांकि ये रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ, शुरू में ही करवा दिया था, जब आई एल क्रॉस बी लिखा था कि क्लोज लूप होगी तो लिखवाया था मैंने क्लोज इंटीग्रल ऑफ आई एल क्रॉस बी जीरो है, ये एक्सप्लिसिटली प्रूफ भी हो गया। अब देखना ये कि नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ये कॉइल ट्रांसलेट नहीं कर सकती, आपको चेक ये करना है क्या इस पर कोई टॉर्क एक्ट कर रही है, टॉर्क की वजह से रोटेट करने लगे। तो देखिए टॉर्क के लिए यहां पर हाँ जाहिद, किसी भी तरह से एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कहीं किसी तरह से घुमा फिरा कर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में बस रख दो, कंडीशन ये है कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, नेट फोर्स हमेशा जीरो है, जैसे चाहो वैसे रख दो, नेट फोर्स हमेशा जीरो है। अच्छा इसके बाद देखिए टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एफ ए बी और एफ सी डी, देखो जरा चेक करो क्या एफ ए बी और एफ सी डी इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। लेकिन देखिए इन दोनों फोर्सेस के लिए ना लाइन ऑफ एक्शन सेम, इन दोनों फोर्सेस के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम, कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं ना, ये रोटेट नहीं करा सकती,
ये एफ ए बी और एफ सी डी रोटेट नहीं करा सकती। जैसे ये पेज है, अगर मैं इसे ऊपर खींच रहा हूँ कुछ फोर्स से और सेम फोर्स से नीचे खींच रहा हूँ, अपनी कॉपी ऐसे करके देखो क्या लगता है, क्या रोटेट करेगी कॉपी? जितनी फोर्स से ऊपर खींचो उतनी से नीचे खींचो, क्या लग रहा है, क्या कॉपी रोटेट कर सकती है? कॉपी रोटेट नहीं कर पाएगी, रोटेशन नहीं। हार्दिक क्या रिपीट करना है? हार्दिक हार्दिक ये तो बताया करो, सेकंड स्लाइड। भाई देखो ये कॉइल है ना, इस पर एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कोलिनियर फोर्सेस, जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, जितना ऊपर एक्ट कर रहा है उतना नीचे एक्ट कर रहा है, ये कोलिनियर। कोलिनियर फोर्सेस में लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, और ये कोलिनियर फोर्सेस टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो यहां जो खुद देखो ना, कॉपी लो अपनी ऐसे रखो, एक फोर्स ऊपर लगाओ उतनी फोर्स नीचे लगाओ, ये रोटेट नहीं करेगा। सो यहां पर एफ ए बी एंड एफ सी डी आर कोलिनियर, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। अच्छा अब अगर आप एफ बी सी और एफ डी ए ले रहे हो, अब ऐसा करो कॉपी लो, एक फोर्स आउटवर्ड्स लगाओ ऐसे और एक फोर्स इनवर्ड्स लगाओ, और अब देखो क्या कॉपी रोटेट करती, एक फोर्स से इसको बाहर खींचो, एक फोर्स से इसको इनवर्ड्स पुश करो, कॉपी रोटेट करती हुई दिखेगी। यहाँ लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, जो जो आउटवर्ड्स लगा रहे उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है बाहर की तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। सो यहां पर एफ बी सी, हाँ वजात कपल है, एफ बी सी एंड एफ डी ए आर नॉन कोलिनियर, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू टॉर्क। इनफैक्ट ये एक कपल बना लेते हैं और टॉर्क में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, ये एक कपल बनाते हैं और टॉर्क में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो कपल के केस में अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, दिस इज सीडी सेक्शन, और इस सीडी सेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल इज थीटा, एक फोर्स आउटवर्ड एक्ट कर रही है बाहर आ रही है, एक फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है, ये फोर्स आउटवर्ड है एक फोर्स इनवर्ड है। इसको मैं बस अब बंदा 3D हो जाएगा, ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, जो फोर्स बाहर आ रही है उसे मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एफ बी सी, जो फोर्स इनवर्ड जा रही है उसे मैं ऐसे ड्रॉ कर एफ बी। ऐसे भी रिजल्ट सेम आता है, अगर मैं जरा सा आपको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इजी हो जाता है। FBC और FDA, हाँ सर नाउ योर टॉप व्यू, FBC और FDA ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा R परपेंडिकुलर, कुछ नाम दे दो था इसे N कह देते हैं। ये आया सबके समझ में डायग्राम? मैंने ये वाला सेक्शन लिया वायर का, सीडी सेक्शन, इस पर एक फोर्स बाहर एक्ट कर रही है
जिससे मैंने ये FBC बना दिया, एक फोर्स इनवर्ड्स जा रही है जिससे मैंने DA बना दिया। भाई जितना ज्यादा आप क्लास में पार्टिसिपेट करोगे ना, आपको चीजें उतने ज्यादा वक्त तक याद रहेंगी। और अगर पूरी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं उठता, आपके जहन में कोई सवाल ही नहीं आता, इसका मतलब आपने कुछ समझा ही नहीं। और फिजिक्स क्लास में अगर कोई डाउट नहीं उठा पूरी क्लास में 1.5 घंटे के लेक्चर में, इसका मतलब या तो आपने लेक्चर सुना ही नहीं, या आपके कुछ समझ में नहीं आया। सो दिस इज FBC एंड दिस इज FDA। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज आर परपेंडिकुलर। सो यहां जो टॉर्क होगी, टॉर्क होता है कोई भी एक फोर्स ले लो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। कोई एक फोर्स लो और दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। सो जब आप यहां टॉर्क ले लेंगे, कोई एक फोर्स लिया आपने, भाई FBC और FDA दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कोई आप एक फोर्स ले लीजिए FBC और इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मैं R परपेंडिकुलर कह रहा हूं उससे मल्टीप्लाई। इसे इक्वेशन 5 कर दो। यहां तक लिखिए और फिर मुझे बताइए इसमें अगर कोई डाउट है। उस्मान समझ में आता है तुम्हारे कुछ? उस्मान जी जोया, FDA इनवर्ड्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में होता है राशिद। ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे लेते हैं आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर दोनों फोर्सेस की जो लाइन है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स की लाइन ये है, एक फोर्स की लाइन ये, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसे आर परपेंडिकुलर। दो वायर्स थी समझ लो, दो लाइन ड्रॉ करी हुई, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया आपने, एक वायर से दूसरे वायर तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस भी कहते हैं। उस्मान क्लियर हुआ? नहीं अरबाब, टॉर्क तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं, ऐसा नहीं टॉर्क BC के सेंटर पर एक्ट कर रहा होगा। फोर्स तो पूरी वायर पर एक्ट करेगी, मैंने तो यहां डायरेक्शन ले लिया है। एक तो ये BC, ये फोर्स है, सही आ रहा है बजाज? सौरभ ये ना फोर्स है पूरा। अब ये मैं यहां लू या नीचे लू, सेंटर तो बस मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिखा दिया, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, तब भी रोटेट करेगा। खुद देखो ये है, ये देखो, ये पेज देखो, अब मैं फोर्स इधर अप्लाई करूं, मैं फोर्स यहां से अप्लाई करूं, मैं फोर्स बीच में से अप्लाई करूं, रोटेशन तो होगा, तब भी रोटेट करेगी। और ये जो मैं ड्रॉ करूं, और आप ढंग से सुनो, FBC ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो पूरी वायर पर एक्ट कर रही है। अच्छा, इसके बाद फाय का एन क्या है? फाय का इस पॉइंट को एन कह रहा हूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एन कहा होगा, ये पॉइंट एन है। वजाहत का आंसर सही आया, दोनों फोर्स। जाहिद अगर मैं दोनों फोर्स लूंगा ना, जाहिद देखो, अगर मैं दोनों फोर्स लेता हूँ दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, नेट फोर्स जीरो देगी, तो जब भी हम टॉर्क लेते हैं कोई एक फोर्स लेते हैं,
कपल के केस में दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, एक फोर्स लेते हैं और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, अगर आप कपल का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो। जाहिद अच्छा, जाहिद के बाद अरबाब एंड पर होगी तब भी रोटेट करेगा। अलमास सीडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये जो पूरी कॉइल है ना अरबाब, अलमास आप मान सकते हो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट ये कॉइल रोटेट करे। जैसे अगर ये पेज ले लें अलमास, और मैं कह रहा हूँ ये पेज रोटेट कर रहा है, सो दिस पेज इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, एक एक्सिस है जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसके अबाउट ये रोटेट। अलमास हुआ कुछ क्लियर? एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मैं बस एक एक करके सबके डाउट्स पर आ रहा हूं। हाँ वो एक्सिस सेंटर से पास हो गया। अलमास हो गया, अरबाब हो गया, वजाहत का है इससे बी के पैरेलल रखेंगे तो टॉर्क एक्ट नहीं करेगी, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी वजह अगर इसको बी के पैरेलल रखेंगे प्लेन को, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी, कॉस जीरो हो जाएगा ना, कॉस जीरो इज मैक्सिमम वन। अच्छा मरियम का क्वेश्चन है एफ डी ए। हाँ मरियम एक ही बात है, आप एफ डी ए भी लिख सकती हैं, बिल्कुल सेम आएगा। हाँ मरियम आप एफ डी ए भी लिख सकती हैं, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ डी ए। Yes, Mariam. FBC is equal to FD. बिल्कुल equal आया, बिल्कुल लिख सकते हैं। सनाउल का भी हो गया, जुहेब सर कोलिनियर में R perpendicular zero होगा इसलिए टॉर्क zero। जी जुहेब R perpendicular zero हो जाएगा इसलिए टॉर्क zero, right? वजाहत कॉइल को जब B के parallel रखेंगे तो line of action same हो जाएगा सर, तब टॉर्क कैसे आ जाएगा? जब कॉइल को ना वजाहत आप बी के पैरेलल रखेंगे, लाइक ये कॉइल है और ये बी है, इस पर एक फोर्स आउटवर्ड आएगी और यहाँ इनवर्ड्स होगी, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होंगे ना, एक वजाहत ऐसे आउटवर्ड्स है और एक ऐसे इनवर्ड्स है, दो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन। अगर आप प्लेन में भी रख दोगे तो थीटा एक तो जीरो हो गया, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया। लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखना चाह रहे हैं, एक पर बाहर आएगी फोर्स, एक पर इनवर्ड जाएगी, एक आउटवर्ड से एक इनवर्ड से, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन टॉक अलग अलग। ये छोटी सी चीज याद रखना, फिजिक्स क्लास में डेढ़ घंटे की क्लास में कोई डाउट नहीं उठा, दैट मींस आपने नहीं समझा। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई डाउट उठा और सेम डाउट किसी और ने पूछ लिया, चीजें क्लैरिफाई हो गई, एक अलग चीज, लेकिन कुछ नहीं उठ रहा इसका मतलब। इसको अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो सब्जेक्ट की, सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। मतलब जैसे किसी को एफ बी सी बहुत नेचुरल लगता है, किसी को एफ डी ए बहुत नेचुरल लगता है, तो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। एनीवेज एफ बी सी था, मुझे जरा बता दो एफ बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है। हाँ खदीजा सही आ रहा है बिल्कुल, एफ बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है? आई बी दैट इज इक्वेशन। अब आर परपेंडिकुलर के लिए देखो, हम ये ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ये जो साइड है ये साइड एल है, तो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल दिया है, हाइपोटेनस दिया है, बेस चाहिए, तो बेस्ट होता है कि ऐसे ट्रायंगल में कॉस थीटा यूज कर लें, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर परपेंडिकुलर इज एल कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, सिक्स और सेवन को फाइव में रखें, सिक्स और सेवन को फाइव,
तो 6 और 7 को जब आप 5 में रखोगे तो टॉर्क हो जाएगा FBC व्हिच इज IBB into R perpendicular. R perpendicular is L cos theta. तो देखो यहां ये जो B और L है इसको कंबाइन कर कर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द कॉइल. L into B को आप A लिख सकते हैं which is area of coil. So जो टॉर्क होगी that टॉर्क is IAB cos theta. अभी तो कॉइल में एक टर्न था, मुझे बताओगे अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो क्या चेंज आएगा. मान लीजिए इस कॉइल के अंदर कई टर्न्स हैं. If coil have capital N turns, if coil have N number of turns, तो simply आप N से multiply कर दो, क्योंकि सारी चीजें भाई एक वायर थी तो एक बार आई फोर्स, इसी के साथ एक वायर और आ रही है तो एक फोर्स और एक्ट करेगी, तो simply चीजें N से multiply हो जाएंगी. So N I A B cos theta. This is equation number 8. यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. N टाइम्स टॉर्क हो जाएगी. अगर आदत डालो, जहां ना समझ में आए वहां पूछो, जहां तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई ना करे वहां आर्ग्यू करो. क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना साइंस वाले बच्चे में कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है दूसरे को ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है. अगर ये क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपने साइंस क्यों ली हुई है, आप कुछ और स्ट्रीम लेते जहां आप फैक्ट्स याद कर लेते काम चल जाता. ऐसे बैच में कई बच्चे खूब बहस होती है उनसे. उनसे जब डिस्कशंस होते हैं आर्गुमेंट्स होते हैं तो लगता है कि चलो एक साल मैंने कुछ पढ़ाया था इन्हें. लगे सब लिख चुके हैं. चलिए मैं इसको रख देता हूँ, सब रख करो. अच्छा अब एक काम करते हैं, इस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं. बताओगे मुझे इस कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल. हाँ जी, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज NIA. दैट इज इक्वेशन नंबर 8. ये 8th होगी 9th होगी या 10th है. 9th. आप एक काम कीजिए, 9th को 8th में रख दीजिए. तो जब आप 9th को 8th में रखेंगे तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इट्स
एम बी कॉस थीटा, टॉर्क आ गया एम बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 10. अच्छा अब थीटा याद रखिएगा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा लिख रहा हूं मैं ये चीज क्योंकि ये एंगल बहुत मेजर इश्यू करेगा, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा. मुझे कोई बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल और इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कहां होता है, इन द प्लेन ऑफ कॉइल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. यस, मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल. परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, इसका मतलब ये तो प्लेन ऑफ कॉइल्स है ना जो सी डी मैंने लिया था. अगर यहां पर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो इसका मतलब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, कॉइल ऐसे टर्न कर दी तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है. मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. सो दैट मींस कि अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है और इन दोनों में एंगल थीटा है, सो यहां कहीं आपका मूवमेंट होगा और इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूं और ये 90 डिग्री है. याद देखिएगा मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ एंगल थीटा नहीं होगा, कुछ और होगा अल्फा. थीटा प्लस अल्फा को आप लिख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री. तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो अल्फा आएगा और थीटा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 11. भाई ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ सबका, थीटा और अल्फा समझ में आ रहा है? हियर अल्फा इज, अल्फा इज एंगल बिटवीन. हाँ भाई देखो इसमें फातिमा का क्वेश्चन है, अगर कॉइल इंक्लाइंड की जगह स्ट्रेट होता, फातिमा अगर कॉइल इंक्लाइंड की जगह स्ट्रेट होता ऐसे होता तो आपका एंगल अल्फा 0 डिग्री होता. तो देखो ना अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, भाई देखो ये फातिमा का अच्छा क्वेश्चन है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, अगर प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल आ जाए, अल्फा 0 डिग्री. बट रहता यही, थीटा अगर 90, अल्फा 0 आता, ताकि थीटा प्लस अल्फा कर 90 डिग्री हो. ये हमेशा वैलिड है, थीटा प्लस अल्फा इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो यार अल्फा इज एंगल बिटवीन एम इन. अब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है तो अगर आप वैल्यूज रख देंगे इलेवन को 10 में रख दीजिए. जैद देखो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, ये कॉइल का प्लेन है, ये जो कॉइल रखी हुई है ये कॉइल का प्लेन ले लिया. मैग्नेटिक मूवमेंट जो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, देखो ऐसे रखिए ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है. अगर ये एग्जैक्टली कॉइल परपेंडिकुलर होती तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स के अलोंग होती, बट कॉइल थोड़ी सी टिल्ड है तो मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में आते हैं. सो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है.
मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल इज अल्फा. जरा डायग्राम समझ में आया, ये है प्लेन ऑफ कॉइल. मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर होता है. तो जब 11 को 10 में रखोगे तो टॉर्क आ जाएगा, इट्स एम बी कॉस थीटा. थीटा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा. सो टॉर्क आ गया एम बी साइन अल्फा. वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं टाउ इज एम क्रॉस बी. ये वेक्टर फॉर्म में आता है. हाँ अरबाब, अगर कॉइल प्लेन में है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यस अल्फा 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद है ना, तो ये रिजल्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट की तरह. इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, तो नेट फोर्स जीरो थी. यहां भी नेट फोर्स जीरो, वहां टॉर्क होती थी टी क्रॉस ई, वहां डाइपोल मूवमेंट था, यहां मैग्नेटिक मूवमेंट एम क्रॉस बी. जाहिर मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. राइट हैंड थंब रूल से लाते हैं, ये कॉइल ऐसे रखी हुई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर्ल कर दो, ये थंब जा रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन. यहां मैंने ड्रॉ ऐसे किया कि मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल के प्लेन के, अगर ये कॉइल का प्लेन है ऐसा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये, अगर पेन मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये पेन हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर. तो अगर ये कॉइल का प्लेन था जेड जाहिद, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन. चलिए आज इसे यही छोड़ते हैं, कल इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो अब सिर्फ गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया. तो कल मॉर्निंग 10 है ना. तो बस तुम राइट हैंड थंब रूल से तो यही आएगा. हाँ इब्राहिम, होगी राइट हैंड थंब रूल जब अप्लाई करोगे ना यार, तो डाउन देखो ऐसा है जाहिद, एक्स के लॉन्ग तब आता है जब कॉइल परपेंडिकुलर रखी होती है. ये देखो, ये जो वीडियो है ना मेरी, उसको देखो. अगर ऐसे रखा होता, तब एक्स के लॉन्ग आता, लेकिन कॉइल टिल्ड है तो ये भी तो टिल्ड हो जाएगा. अगर ये बिल्कुल ऐसा रखा होता परपेंडिकुलर, तो एक्स के लॉन्ग होता, लेकिन ये टिल्ड है तो थोड़ा एक्स से शिफ्ट होकर आएगा. हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चीज है मैग्नेटिक फील्ड. यस, के लिए तो मैं होता हूं, लेकिन कभी कोई आता नहीं है. 9:30 किसी को डाउट्स ही नहीं होते क्लास के. 9:30 जो भी क्लास है उसके लिए आ जाओ. 9:30 में होऊंगा, 10 मिनट में वेट करता हूँ, फिर मैं लॉग आउट कर देता हूँ. अगर आज की क्लास का कोई डाउट रह गया है तो 9:30 आ जाएगी.